गाड़ी मैनुअल लीजिए या ऑटोमेटिक, ये एक लौता सवाल है जो सौयों लोगों ने मेरे से पूछा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक सलाह मैं आपको दे रहा हूँ, भाई बजट कार ढूंढ रहे हो ना तो चुपचाप एक मैनुअल गाड़ी ले लो, क्यों अपने एक मिनट भी खराब कर रहे हो। ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल के 3 पॉइंट्स आपको आज मैं बताऊंगा और वीडियो के एंड में एक मिथबस्टर भी है आपके लिए। तो नंबर 1 पे है ट्रैफिक में इन दोनों की परफॉर्मेंस। अरे आंखें बंद करके ऑटोमेटिक गाड़ी ले लो, अगर आप दिल्ली मुंबई के ट्रैफिक में गाड़ी चलाने वाले हो तो भाई लेग वर्कआउट हो जाता है पूरा क्लच ब्रेक दबाते दबाते। और वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक में गाड़ी ड्राइव पे डाल के ब्रेक ऊपर नीचे करो बस। और पॉइंट नंबर 2 है एक्सेलरेशन। मैं सीधी भाषा में कहूँ तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आप गाड़ी का गियर छोटा करके उसको एकदम खींच सकते हो, और वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक में जब तक पैडल शिफ्टर्स नहीं है आप गाड़ी को एकदम नहीं खींच सकते, गाड़ी अपने हिसाब से गियर चेंज करेगी। और थर्ड पॉइंट है इजियर टू ड्राइव। ये तो कॉमन सेंस है, पता ही है आप सबको, मैनुअल गाड़ी की तरह ऑटोमेटिक में बार बार गियर्स नहीं चेंज करने पड़ते, सीधा एक बार ड्राइव पे डाली और डेस्टिनेशन पे पहुंच के ब्रेक मारना फिर। और सबसे बड़ा मिथ तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी माइलेज कम देती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत माइनर सा ही फर्क होता है खाली। लेजेंड बनना है तो मैनुअल चलाओ, कंफर्ट चाहिए तो ऑटोमेटिक।